नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी इन वीडियोस में आपको सिद्धियां क्या हैं इसके बारे में जानकारी दे रही हूं। और यहां मैं आपको तीसरी चीज़ जो है सिद्धि जागृत करने की, उसके बारे में बता रही हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और मेरी पिछली जो इसकी दो वीडियोस हैं उन्हें भी ज़रूर देखें। तीसरी चीज़ जो आती है सिद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो आती है एकाग्रता। एकाग्रता इन सेंस मन को हर तरफ से रोक कर, मन की क्रिया को रोक कर, क्योंकि मन, देखिए मन मनुष्य बना है मन से, और वो मनुष्य शरीर कहीं देख कुछ रहा है, सुन कुछ रहा है, बैठा है तो हिल डुल रहा है, ये चीज़ बता रही है कि मन जो है वो चंचल है। इस मन को रोकना एक योगी की भांति टिका कर लेना, एक बिंदु पे रुक जाना, एकाग्रता, ये क्रिया है। जो इस एकाग्रता की क्रिया को अपने अंदर ले आता है उसके अंदर सिर्फ एक सिद्धि की पावर नहीं, हर तरह की पावर जाग जाती है, हर तरह की सिद्धि उसके अंदर आ जाती है, सिर्फ सिर्फ एकाग्रता। और ये एकाग्रता कम से कम 45 मिनट तक होनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, कोई करना चाहे तो इसे कर सकता है। आप अपने आप को एक बिंदु पर रोक लें, अपने आप को इतना एकाग्र कर लें कि उस बिंदु तक आप अपना टाइम लिमिट बढ़ाते जाएं। पहले 2 मिनट एकाग्र होंगे, 5 मिनट, 7 मिनट, बढ़ाते बढ़ाते इसे जितना लंबा तक खींच सकते हैं। ध्यान रखना है, सो इस एकाग्रता की पावर को जो ले आता है उसके अंदर ना केवल सिद्धि जागती है बल्कि उसके अंदर हर तरह की पावर जाग जाती है। सो ये मेरी एक तीसरी क्रिया थी। अब इसे करना कैसे है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपकी एकाग्रता जाग जाती है तो उसके बाद आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।